हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिक्स भुजिया पकौड़ी बनाने के लिए जा रहे हैं। मिक्स भुजिया पकौड़ी बनाने के लिए हमने दो आलू लिया है और इसे साफ़ करके हमने छील के इस तरीके से कट कर लिया है भुजिया की तरह। हमने दो शिमला मिर्च लिया है, इसे भी हमने लंबे आकार में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। हमने दो प्याज लिया है, इसे भी हमने कट कर लिया है इसी आकार में। हमने थोड़े से पनीर लिए हैं, इसे भी हमने इसी तरीके से कट कर लिया है। और हमने चार हरी मिर्च लिया है, ये भी हमने बारीक कट कर लिया है। चलिए फिर बनाते हैं मिक्स भुजिया पकौड़ी। बड़ा सा कटोरा लेंगे, इस कटोरे में हम ये सभी सामग्रियों को हम इसके अंदर डाल लेंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने डाल लिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, हमने एक कटोरी बेसन लिया है, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। दो चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे, यह देखिए। हल्दी लेंगे आधा चम्मच, मिर्ची लेंगे आधा चम्मच। मिर्ची हम डालेंगे अपने स्वादानुसार, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं आप उसी के अनुसार ही मिर्ची डालिए। थोड़ी सी हमने धनिया लिया है, धनिया पाउडर। नमक लेंगे स्वादानुसार। गरम मसाला लेंगे आधा चम्मच। आधा चम्मच हमने अदरक लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। इन सभी सामानों को हम मिला लेंगे, यह देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इसे। अगर आपका पेस्ट थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो हम दो चम्मच इसमें पानी भी मिला लेंगे, दो से तीन चम्मच। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यह देखिए हमारा इस तरीके से डो तैयार हो चुका है। चलिए फिर बनाते हैं। यह देखिए हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। चलिए फिर हम फ्राई करते हैं मिक्स भुजिया पकौड़ी। इसे हम इस तरीके से डालेंगे एक एक पीस, बिल्कुल अलग करके इसे हम हाई से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यह देखिए इसको अलग करके हम पकाएंगे और इसमें डालेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं। यह हमारी भुजिया पकौड़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। यह देखिए इसे हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। यह देखिए हमारी मिक्स भुजिया पकौड़ी तैयार है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनी है ये, सभी को हम निकाल लेंगे। दोबारा हम इसी तरीके से डालेंगे।
यह देखिए हमारी मिक्स भुजिया पकौड़ी तैयार है। इसे हम सुबह या शाम चाय के साथ सर्व करेंगे। अभी देखिए बारिश का मौसम है, आप चाहें तो कभी भी बना के खा सकते हैं। प्लीज़ अगर ये आप सभी को रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।